नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सर्व। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ गई है, बिहार में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई है। नालंदा की रहने वाली 19 वर्षीय एक युवती में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और इसके बाद बिहार का आंकड़ा पहुंच गया है 97। काफ़ी तेज़ी से आंकड़े बढ़ रहे हैं बिहार में। लगातार जिस तरीके से सरकार के तरफ से अपील की जाती रही है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, क्योंकि भारत को लॉकडाउन किया गया, ऐसे में लोगों को एक दूसरे से मिलने की इजाज़त नहीं है, बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तमाम बातें सरकार के तरफ से कही जा रही है, बावजूद इसमें कोई कमी नहीं आ रही है, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में करीब 10 से अधिक मरीज की पहचान की गई है। सबसे बड़ी बात कि आज नालंदा में ही एक डॉक्टर में कोरोना पॉजिटिव मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया, क्योंकि जो डॉक्टर हैं वह कई अधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग भी किया था, और ऐसे में अब तमाम जो अधिकारी हैं उन लोगों के भी सैंपल लिए गए हैं। तमाम वीडियो CO और जो भी अधिकारी हैं उनके सैंपल लिए गए हैं। स्वास्थ्य केंद्र में, जो स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिहार शरीफ में, वहां के लोगों को भी क्वारंटाइन करने की बात कही गई है। ऐसे में बार बार जिस तरीके से बिहार में आंकड़े बढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। डॉक्टर भी वहीं के मिले थे और अब एक 19 वर्षीय युवती में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। आपको बता दें कि बिहार में अब तक 97 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, मतलब 97 लोग कोरोना से संक्रमित है। हालांकि अब तक 40 से अधिक मामलों में रिकवरी हो गया है, मतलब 40 से अधिक लोग रिकवर हो गए हैं पूर्ण रूप से, 50 से अधिक लोग अभी भी संक्रमित है, सक्रिय केस कही जा रही है। 2 मौतें हुई हैं पिछले दिनों, एक मौत हुई है वैशाली के राघोपुर से, और पहली मौत 22 मार्च को ही हुई थी जब जनता कर्फ्यू लगाया गया था। तो ऐसे में अब एक बार फिर से जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो देखने वाली बात होगी कि बिहार में क्या कुछ नए आंकड़े आते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये आंकड़े 100 भी न पहुंचे, लेकिन जिस तरीके से जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में सतर्क रहने की आवश्यकता आपको जरूर है। आप बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।